हैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब हमारे खान मेरी सबसे टैलेंटेड मेरी बहन ने बनाया है, पहला शो उसका बाहर आ रहा है, देखना चाहता हूँ क्या किया उसने। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन होगी? एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा है, देखते हैं, बहुत ज़्यादा है। वह है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर आना चाहिए इसमें, वहाँ साथी वैसे भी बहुत है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा हंसाएगी शायद। हाँ है कुछ तो, मतलब हाँ थोड़ा सा मेरे ख्याल से कुछ डार्क कॉमेडी सी है, मतलब वो कॉमेडी मुझे मालूम है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो देखते हैं क्या किया उसने। मैं तो अभी देखा नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं एक्चुअली एक थोड़ी कहानी है मेरे पास अफसोस की कि ये 1.5 साल पहले जब बन रहा था तब मैं मैम को मिली थी इसके लिए, एंड अनफॉर्चुनेटली डेट्स नहीं वर्कआउट हो पाए, तो फिर आज मैं ये देखने आई हूँ। आई कुड हैव बीन इन दिस एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गुलशन्स वर्क बिकॉज आई थिंक वो बहुत एक्साइटिंग काम कर रहा है अभी, तो आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। बहुत अच्छा जॉनर है ना, कुछ इंटरेस्टिंग सा है, एक आदमी मरना चाहता है, अलग अलग तरीके ढूंढ रहा है मरने के, तो आई थिंक मजा आएगा देखने में कि क्या करते हैं। आई वॉन्ट टू सी हाउ दे एंड इट, दैट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू वॉच। थैंक यू। ये करते हुए मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं थोड़ा और, मैं वैसे भी बहुत अच्छा एक्टर हूँ, और अच्छा हो गया हूँ। बहुत शांति से बड़े प्यार से हमने शूट किया, बहुत मस्ती करते थे सेट पे। ये जो तीन राइटर्स इस शो के हैं, अनिर्बान, दिब्बो और सौरभ और मैं और अनुभूति, हम लोग एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी और बहुत ही शांत एनर्जी, और कभी कभी बहुत, मतलब सेट पर भी उतनी ही मस्ती होती थी जो सेट के बाहर होती थी, तो बहुत इन्जॉय किया हमने। इधर मुंबई और इर्द गिर्द इलाकों में भी। हाँ मैंने ऑलरेडी देख लिया है तो एक्साइटमेंट की रिएक्शन जानने का एक्साइटमेंट है, ठीक है। अभी इतना भी एक्साइटमेंट नहीं है, अभी मैं वेटरन हो गया हूँ ना, ऐसे फालतू में एक्साइटमेंट करके कुछ नहीं है, ऐसे पेट खराब होता है, जुलाप लगती है ना। तो अभी तक क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं ट्रेलर को? आई थिंक कुछ लोग परेशान हैं कि मिर्ज़ापुर का ट्रेलर कब आएगा, ये कमेंट्स आ रहे हैं वहाँ पे अमेज़ॉन के यूट्यूब चैनल पे। उनको मैं कहना चाहूँगा भाई साहब, मतलब प्लीज़ थोड़ा सब्र करो, आएगा, आप अफसोस देख लो पहले, फिर मिर्ज़ापुर भी आएगा। कमेंट्स अच्छे हैं, बहुत सारे लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। आई थिंक 2019 मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा, अलग अलग काम, दो फिल्में, एक वेब शो, सो गोस्ट स्टोरीज़ को भी सराहा, बहुत सराहा लोगों ने और मेरे परफॉर्मेंसेस को। सो आई थिंक ये भी थोड़ा डिफरेंट ही है इन टर्म्स ऑफ कि अलग अलग प्रोजेक्ट में, अलग अलग भेस में, अलग अलग किरदारों में नज़र आऊँगा, तो उसको लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट लोगों को है और बहुत प्यार मिला है, तो वही है। सवाल क्या था आपका? मैं भूल गया। So, कितने एपिसोड्स ये होने वाले? ये 8 एपिसोड्स है सीज़न 1। मैं भी जानना चाहूँगी। सीज़न 2 में हम लोग 16 करेंगे, उसके बाद 32, ऐसे मल्टीपल्स ऑफ। आएगा अगले साल, शूट करना बाकी है, पहले लिखना पड़ेगा, पहले सीज़न 1 चलेगी तो फिर सीज़न 2 बनेगी ना, अमेज़ॉन पैसे नहीं देगा वरना। मिर्ज़ापुर में फिर से आने के लिए पहले आना पड़ेगा पहले, तो इसीलिए तो पास्ट में जाके पहले मिर्ज़ापुर 1 में आना पड़ेगा, उसके बाद 2 में आ सकता हूँ। तो अभी टाइम मशीन की इजाद नहीं हुई है, तो टाइम मशीन इन्वेंट हो जाएगा तो फिर मैं समय में वापस जाके मिर्ज़ापुर में आऊँगा। फिर मैं नहीं हूँ मिर्ज़ापुर में, नहीं नहीं मैं मिर्ज़ापुर में नहीं हूँ। तो क्या होता ना, हमारा ट्रेलर रिलीज़ हुआ था ना, तो मिर्ज़ापुर 2 का बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं लोग, मैं नहीं हूँ उसमें, लेकिन लोग उसको देखना चाहते हैं, तो मैंने सिर्फ ये कहा कि चुटकुला था। मैंने इसका ट्रेलर देखा, काफी अच्छा है।
जी अफसोस तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा खुशी है और बहुत एक्साइटेड है हम लोग, और बहुत ही डिफरेंट किस्म की स्टोरी है और जब लोग देखेंगे उनको समझ आएगा। और इट्स अ सटायर, इट्स अ डार्क कॉमेडी, तो फनी भी है और डार्क भी है, सो वो कॉम्बिनेशन आई डोंट थिंक कि वेब सीरीज़ में अभी देखने को इतना मिलता है। मोस्टली सब वही गैंग्स गैंग्स या तो ऐसे सभी चल रहे हैं, सो दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, सो आई एम रियली एक्साइटेड। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इनफैक्ट बहुत मज़ा आया, हमारा बहुत भाग दौड़ था और एक्शन था थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे पीटना वीटना बाल पकड़ना है ये सब, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। बहुत लोग सोच रहे हैं कि स्टोरी कुछ है बट वो एक्चुअली है नहीं, वो कुछ और स्टोरी है जो कि आप फाइनली जब वेब सीरीज देखेंगे तब समझ आएगा, जब आप सोच देखेंगे। थैंक यू। फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा। या इस टाइप के कंटेंट बहुत कम ही देखने को मिलते हैं और ये काफी नया लग रहा है, ट्रेलर को देखते ही ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है, सो उसके बारे में कुछ बताइए। या एग्जैक्टली आई व्हाट आई मुझे जो अट्रैक्ट किया इस कॉन्सेप्ट के बारे में वाज इस न्यूनेस, तो ये नया था इसलिए आई लाइक्ड इट एंड आई अग्री टू कम ऑन बोर्ड। एग्जैक्टली जैसा आपको लग रहा है वैसा ही कॉन्टेंट है, नया है जो हमने नहीं देखा है यहाँ इंडिया में, सो आई होप पीपल लाइक इट ऑल्सो। ओके, सो आप फर्स्ट टाइम ये डायरेक्ट कर रही हैं, सो आपसे जानना चाहूँगी क्या कुछ चैलेंजेस आए आपके? अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, एवरीथिंग वॉज अ चैलेंज। सबसे बड़ा चैलेंज होता है बजट, तो हर चीज़ उस पैमाने से देखनी पड़ती है, दिन कम मिलते हैं शूट करने के लिए, जो आपको जिस तरीके की इक्विपमेंट्स चाहिए वो सब नहीं मिलते हैं, प्रॉब्ली फर्स्ट लॉट ऑफ फैक्टर्स जो आप चाहिए सम ऑफ देम वो बजट में नहीं आते, बहुत सारी चीज़ें बजट में नहीं आते, टेक्नीशियंस जो आपको चाहिए वैसे शुरू में बजट में नहीं आते, सो दोज वर मेनली द चैलेंजेस। एंड द चैलेंज वॉज ऑल्सो टू शूट इट इन बॉम्बे एंड शूट इट सिंग साउंड ऑल्सो शूट इट इन बॉम्बे एंड मेक इट लुक लाइक अ डिफरेंट साइड ऑफ बॉम्बे, बिकॉज शो सच कि वो थोड़ा वी डिडंट वॉन्ट द एग्जैक्ट बिजीनेस एंड केओस ऑफ बॉम्बे टू कम हियर, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट वैन यू शूटिंग वैन यू डोंट हैव कंट्रोल्ड लोकेशंस लाइक दैट बट यू स्टिल हैव टू शूट इन रियल प्लेसेस एंड मेक देम लुक अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम बॉम्बे, सो दोज वर द चैलेंजेस एट एवरी स्टेप, मेनली बजट डिफाइंड ऑल चैलेंजेस, अदरवाइज इट वॉज अ स्मूथ सेल। ऑब्वियसली बहुत अच्छा, यू ऑलवेज वॉन्ट योर फैमिली टू अप्रिशिएट व्हाट यू डू, आई होप दे लाइक इट। ओके, ट्रेलर को देखकर आपको ऑडियंस से क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स? मोस्टली ऑडियंस ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है कि कैसे कुछ नया लग रहा है, बट अ लॉट ऑफ ऑडियंस सेड मिर्ज़ापुर कहाँ है वो रिलीज करो, सो